हेलो स्टूडेंट, आई एम पीयूष, सीनियर कैट फैकल्टी एट आरवीएम कैट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप आरवीएम कैट यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको ये चैनल दिख जाएगा। यहाँ पर हम आपके करियर से लेकर बहुत सारी वीडियोस डालते हैं जो आपको हेल्प करती हैं करियर बूस्ट करने में। हम आपके जॉब इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ डालते हैं, इंडस्ट्रियल वीडियोज़ डालते हैं और इंडस्ट्री में काम कैसे होता है उनकी वीडियो डालते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक 6-एक्सिस रोबोट है, उसकी वीडियो है, ये आर्ट कैम की वीडियो है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से लेके काफी कोर्स है, ये आप देख सकते हैं। जो आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है बेसिक मोल्ड से लेके एडवांस मोल्ड तक। एक पार्ट का मोल्ड कैसे बनाते हैं, ये हमारी इस सीरीज का मेन मकसद होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा एक पार्ट है, ये हमारा एक पार्ट है, हमें इसकी कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन करना है। एक्चुअली ये आपकी सीरीज 5 पार्ट में डिवाइड होगी, जिसमें आपका आज का बेसिक पार्ट होगा कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन। इसको अभी मैं वीडियो के एंड में खोल के भी दिखाऊंगा कि आपके कौन कौन से पार्ट इस मोल्ड में लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं बेसिक कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन, कि हम बेसिक कोर एंड कैविटी कैसे बनाते हैं। ये हमारा पार्ट है। सबसे पहले मेन डाउट आता है कभी कभी, ये मोल्ड टूल ये हमारा टैब शो ही नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करो, टैब्स पर क्लिक करो, जो भी यहाँ पर टैब्स चेक इन है मतलब राइट टिक है वो आपको शो होंगे इंटरफेस पर, और जो आपका चेक इन नहीं है, टिक नहीं है, वो आपके शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा मोल्ड टिक था, इसलिए हमें मोल्ड शो हो रहा है। मोल्ड का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ड्राफ्ट एनालिसिस। तो मैं 1 डिग्री पर इस कंपोनेंट का ड्राफ्ट एनालिसिस कर रहा हूं। ओके, लुक, ये ग्रीन आपको शो कर रहा है कि आपका कोर आसानी से इस मोल्ड से बाहर निकल जाएगा। अगर यहां पर कोई भी पार्ट येलो होता, दैट मींस आपके कोर निकलने में दिक्कत होती, तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्राफ्ट देते, यानी उसमें एंगल प्रोवाइड करते, ताकि हमारा आसानी से पार्ट निकल जाए और निकलने में कोई दिक्कत ना आए। कभी कभी क्या होता है, हम कोर निकालते हैं मोल्ड से एंड दैट डिस्ट्रॉयज योर पार्ट और कैविटी, ठीक है। तो हमें उसके लिए हम ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें पता पड़ जाए हमारा कोर आसानी से निकल रहा है या नहीं। इसको मैं कट कर देता हूं, मेरा ड्राफ्ट एनालिसिस ओके है। सेकेंड थिंग इन मोल्ड इज स्केल। एक्चुअली हम स्केल करते किस लिए हैं, हर एक पार्ट जब मोल्टन कंडीशन में होता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, जब वो मोल्टन कंडीशन से सॉलिड कंडीशन में आता है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, इसीलिए हम श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। कितने परसेंटेज में श्रिंक होगा वो मटेरियल, अलग अलग मटेरियल अलग अलग परसेंटेज में श्रिंक होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी श्रिंकेज अलाउंस होती है। तो मैं लेट करके चल रहा हूं कि इस मटेरियल की श्रिंकेज 1.03 है, यानी कि 3% आपका श्रिंक हो जाएगा मोल्ड बनने के बाद। ओके, तो ये देखो 1.03 टाइम्स बड़ा हो चुका है, यानी कि इसकी कैविटी थोड़ी बड़ी बनेगी। अब जब भी आपका मटेरियल श्रिंक होगा, देन ऑटोमेटिकली वो राइट शेप में आ जाएगा, इसलिए हम आपकी स्केल फैक्टर देते हैं। स्केल फैक्टर के बाद हमारा स्टेप आता है पार्टिंग लाइन। मैंने पार्टिंग लाइन पर क्लिक किया, मैं उस फेस पर क्लिक करूंगा जिस फेस से मुझे इस ऑब्जेक्ट को निकालना है। तो मैंने इस फेस पर क्लिक किया एंड ड्राफ्ट एनालिसिस किया। ये कंडीशन है आपकी कि ये ऑटोमेटिक आपकी आउटर लाइन सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन हो सकता है किन्हीं किन्हीं केस में आपकी ये ऑटोमेटिक लाइन सेलेक्ट नहीं होती है। अगर आपका केस ये है कि आपकी ऑटोमेटिक लाइन सेलेक्ट नहीं हुई, तो आपको मैनुअली 1 by 1 आपको आउटर लाइन सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप सारी मैनुअल लाइन सेलेक्ट कर लेते हो, यहां पर देखिए मेरा पूरा क्लोज लाइन बन चुकी है, देन मेरी पार्टिंग लाइन का स्टेप खत्म हो जाता है एंड मैं ओके करता हूं। नाउ यहां पर एक मुझे स्लॉट गिवन है, तो इसके लिए मुझे सट ऑफ सरफेस करना पड़ेगा। तो मैंने सट ऑफ सरफेस किया। नाउ सी, इसने क्या किया कि बाहर साइड वाला एज सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कट करता हूं और अंदर साइड वाले सारे के सारे एज सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, सॉरी, ये देखिए यहां पर एक गलती हुई कि मैंने बाहर साइड वाला एज सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं अंदर साइड वाला एज सेलेक्ट कर दूंगा, यहां पर आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा
दैट द मोल्ड इज सेपरेबल इनटू कोर एंड कैविटी, मतलब इस मोल्ड को आप कोर एंड कैविटी में सेपरेट कर सकते हैं. ओके, देन लुक, दिस सरफेस इज क्लोज्ड, इट मींस आपका जो कैविटी में ये स्लॉट बनेगा वो इस सरफेस के बाद एंड हो जाएगा. तो ये सरफेस आपका क्या करता है, जो कैविटी में ये स्लॉट बनाने के लिए कैविटी बनेगी कितने दूर तक बनेगी, ये सेट ऑफ सरफेस आपको बताता है. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पार्टिंग सरफेस. पार्टिंग सरफेस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए ये पार्टिंग सरफेस आ जाएगा. पार्टिंग सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जो कोर एंड कैविटी को अलग करने के काम आता है. पार्ट मतलब होता है अलग करना, सरफेस मतलब सरफेस. एक सरफेस जो आपकी कोर एंड कैविटी को अलग करता है वो होता है आपका पार्टिंग सरफेस. इसका एक और यूज आप कह सकते हैं, आप पार्टिंग सरफेस पर स्केच कर कोर एंड कैविटी का साइज भी बताते हैं. उस पर हम अभी आते हैं. सबसे पहले यहाँ पार्टिंग सरफेस का साइज देंगे. ओके 15 mm इज इनफ. ओके 15, ओके दिस इज इनफ. नाउ मैं इस सरफेस पर स्केच क्रिएट करूंगा. तो मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, स्केच किया एंड यहां से एक कॉर्नर रेक्टेंगल दे दिया. ओके इसको मैं डायमेंशन देके फुली डिफाइन कर देता हूं. ऑल साइड 5 mm में गैप कर दे रहा हूं. ओके 5 mm आई थिंक इज इनफ. हम बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं छोड़ते हैं ताकि बहुत ज्यादा आपका मटेरियल वेस्ट भी ना हो, और बहुत कम मटेरियल भी नहीं छोड़ते हैं ताकि आपकी कैविटी बहुत ज्यादा कमजोर ना हो. तो मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया. ओके ऑब्वियस बात है ये रेक्टेंगल आपका इस ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए तभी उसमें आपकी ऑब्जेक्ट की कैविटी बन पाएगी. तो मैंने ये स्केच बना दिया. इस स्केच का एम था कि आपकी इसी स्केच की शेप का आपका कोर एंड कैविटी बनेगा. देन मैं एग्जिट करता हूँ एंड देन टूलिंग स्प्लिट. टूलिंग स्प्लिट में क्या करेगा, ये कोर एंड कैविटी में ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा. ओके नाउ सी ये आपका ऑटोमेटिकली कोर एंड कैविटी में कन्वर्ट हो चुका है. लुक नाउ अगर आपको देखना है इस कोर एंड कैविटी को तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको हाइड कर देता हूं. लुक दिस इज पार्ट. ओके दिस इज आवर कोर. ओके दिस इज आवर कोर. एंड आपको अगर कैविटी देखना है तो मैं कोर को हाइड कर देता हूं एंड पार्ट को हाइड कर देता हूं. ओके दिस इज आवर कैविटी. इस फाइल को मुझे असेंबली में सेव करना है ताकि मैं अच्छी तरीके से अपनी कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन देख सकूं. तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेव करूंगा, इस असेंबली को राइट क्लिक करूंगा यहां सॉलिड बॉडीज पर जो फीचर ट्री पर दे रखा है. सेव बॉडीज, ऑटो असाइन टाइटल का मतलब होता है इन सारे के पार्ट के नाम ये ऑटोमेटिकली दे देगा. तो मैंने ऑटो असाइन टाइटल किया तो इसने ऑटोमेटिकली इन सबको नाम दे दिया. क्रिएट असेंबली, नाउ मैं यहां पर असेंबली की लोकेशन एंड नाम प्रोवाइड करूंगा. ओके मैंने यहां पर मोल्ड इस असेंबली का नाम दे दिया, मोल्ड असेंबली. ओके तो ये आपके 3 पार्ट में कन्वर्ट हो चुकी है. ओके ये अभी आपका पार्ट ही खुला हुआ है. अब ये देखिए यहाँ पर आपको पार्ट के सारे कमांड्स दिख रहे होंगे. ये आपका पार्ट ही खुला हुआ है. अगर मुझे असेंबली खोलना है मैं बैक करूंगा. ये मुझसे पूछ रहा है सेव चेंजेस, नहीं मुझे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, डिस्कार्ड चेंज इन असेंबली. ओके तो ये मेरे 3 पार्ट में आ चुका है, कोर पार्ट एंड कैविटी. इसको अगर एक्सप्लोर करके देखते हैं तो आपको इसको अच्छा आइडिया लगेगा. ये मैं इसको एक्सप्लोर करके देखता हूं. ये है हमारा कोर पार्ट, डन. ये है मेरा कैविटी पार्ट, डन. एंड ये है मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन कर लिया. आगे के सीरीज में हम इसको और एडवांस में देखेंगे और देखेंगे इसमें गाइड पिन, स्प्रू, लोकेटिंग पिन, एजेक्टिंग प्लेट, एजेक्टिंग पिन किस लिए इन सब का यूज करते हैं. तो
अभी हमने जो पार्ट बनाया है इसको मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अभी हमने सिंपल एक्सट्रैक्शन किया है, जो आपका इसका आगे का चैप्टर होगा वो होगा आपका फास्टिंग से रिलेटेड, गाइड पिन से रिलेटेड एंड अदर वीडियोस से रिलेटेड। तो मैं इसको आपको एक बार एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ। ओके ओके, ये इसका एक्सप्लोरेड व्यू था। अब मैं मॉडल में इसके आपके कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्शन दिखा देता हूँ कि वो आपके लगे कहाँ होते हैं। मैं इन सबको हाइड करता हूँ। ओके आइसोलेट का मतलब होता है मुझे इन दोनों पार्ट को देखना है, बाकी सबको नहीं देखना। ठीक है, आई थिंक मैं एक पार्ट को ही आइसोलेट करता हूँ, इसी को आइसोलेट करता हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये है मेरा कैविटी पार्ट। अब ये कैविटी में एक एक्स्ट्रा होल भी दिया हुआ है यहाँ पर मैंने, इसका भी मैं मतलब बताऊंगा आगे की वीडियोस में कि आपका ये होल क्यों गिवन है। ये एग्जिट आइसोलेट, अब अगर मुझे इसे आइसोलेट करना है तो मैंने इसे आइसोलेट किया ताकि मैं इसका कोर का पार्ट देख सकूं। ये देखिए, ये है इसका कोर का पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियोस इसकी अपलोड होंगी जिसमें आपको पूरा का पूरा फंक्शन बताया जाएगा कि टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, गाइड पिन, बुशेस, स्प्रू, इजेक्टिंग प्लेट, इजेक्टिंग पिन, ये सारे पार्ट्स आपके किस किस यूज में आते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें आरवीएम कैड को एंड ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप देख सकें।